देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान वाली बात पर बीजेपी ने तगड़ा जवाब दिया। इसका वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके उसके कैप्शन में लिखा, मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं। ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं है, ये तो दिल में रहती है, दुकान में नहीं। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की मोहब्बत वाली बात का बीजेपी के गाने में क्या अर्थ है, उसका क्या मकसद है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जो कल संसद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लूट की दुकान है, नफरत वाली दुकान। देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि देश की जनता भी कह रही है कि ये लूट की दुकान है, लूट का बाजार है, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। इसके बाद बीजेपी का नया वीडियो सुनाई देता है। नए गाने में बीजेपी जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आ रही है। गाने के बोल हैं कि मोहब्बत दिल में मिलती है, दुकान में नहीं। इस गाने में बीजेपी ने केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। गाने में कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का भी जिक्र है। गाने में आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें दिखाया गया कि कक्षा में एक छात्र खराब प्रदर्शन करता है और उसके बाद उसका नाम इस उम्मीद से बदल दिया जाता है कि वे अपने अंकों में सुधार कर पाएगा और बढ़िया प्रदर्शन करेगा। याद हो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 26 दलों ने एक साथ आकर इंडिया बनाया। विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया किया है तभी से बीजेपी लगातार हमला बोल रही है और इस तरह के व्यंग्यात्मक जो वीडियोस है वो बीजेपी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है।